हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय आरजी चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं रेजिस्टेंस बॉक्स की। आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे और उसकी अनबॉक्सिंग करके भी दिखाएंगे कि ये किस यूज में आता है। सो गाइस, चलिए इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे रेजिस्टेंस बॉक्स का बॉक्स हैगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम इसको ओपन करेंगे। तो गाइस, ये है हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स। सो गाइस, ये देखिए, ये है हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स। ये उसके कुछ केज दिए गए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और जो ये इसके दो पॉइंट्स दिए गए हैं जो इसमें एक्यूरेसी के सर्किट्स में कनेक्ट होते हैं। और ये जैसा कि आपको यहाँ देखिए, कांस्टेंट कोइल का बना हुआ होता है, जो कि जो स्टैंडर्ड कांस्टेंट होते हैं वो कांस्टेंट वायर के बनाए जाते हैं। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक वुड कंडक्टर है, तो इसके ऊपर ये बनाया गया है। ये इसके कुछ केज हुए हैं। अब जैसे कि ये आप देख रहे हैं, और ये यहाँ पे ओम्स दिए गए हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200 एंड 500। ये आपको यहाँ पे रेंज भी दी गई है कि ये 1 से 500 ओम्स तक काम करता है। सो ये जो इसके केज दिए गए हैं, ये हम निकाल लेते हैं। ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो है ये कॉपर का बना होता है। ये सारा जो भी है ये कॉपर का बना हुआ होता है। जब हम इसमें पॉइंट्स या वायर को कनेक्ट करते हैं इन पॉइंट्स में, तो करंट क्या होता है, यहाँ से करंट फ्लो करता हुआ यहाँ तक जाता है। और अगर हम मान लीजिए किसी केज को ऐसे निकाल देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए स्पेस है, तो वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, करंट यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। सो गाइस, ये आपको पता ही है, ये फिजिक्स लैब में ये यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको अपनी स्टडी बेस में प्रैक्टिकल के लिए यूज करते हैं। सो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हो, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।